हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपसे कुछ तथ्यों से रूबरू करते हैं और आप उसका उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और तथ्यों को लेते हैं। सिंधु सभ्यता में वीरहत स्नानागार पाया गया और आप उत्तर करेंगे मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में या पंजाब में। सैंदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, तीसरा प्रश्न है यह, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। चौथा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, कालीबंगा या लोथल। पांचवा प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी या सिंधु। छठा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार या आयताकार। सातवां, सेवेंथ, सिंध का नकली स्थान किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। आठवां प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समतावादी या वर्ण आधारित। नाइन्थ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 या 1932। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ग्यारहवां प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक या शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बारहवां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, कहां से प्राप्त हुआ, पैमानों की खोज कहां से प्राप्त हुई, लोथल या कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन था, लोथल या कालीबंगा। तेरहवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयाराम सहनी या रखालदास बनर्जी। चौदहवां प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास या कांसे के औजार। पंद्रहवां, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से या बांस से। सोलहवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे या ग्रामीण थे। सत्रहवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, व्यापार या पशुपालन। अठारवां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है, कांस्य युग, नवपाषाण युग। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था, सेल खड़ी या कांसा। उन्नीसवां,
सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में या गुजरात में? घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं? सुरकुटदा या लोथल? बीसवां, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? इक्कीसवां, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व या 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व? बाईसवां प्रश्न, इसको प्रश्नवाचक में इसलिए ले रहा हूं ताकि आप क्यूरियस रहें, बहुत उससे जागरूकता आती है। तो जुता हुआ खेल कहां, जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा या लोथल? तेईसवां प्रश्न, गोदीबाड़ा डॉकयार्ड कहां देखा गया हड़प्पा सभ्यता में? लोथल या धौलावीरा? पच्चीसवां प्रश्न, चौबीसवां प्रश्न, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति कहां मिली? बनवाली या लोथल? पच्चीसवां प्रश्न, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिला लेख कहां प्राप्त हुआ? धौलावीरा या लोथल? 26, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति या गोलाकार आकृति? 27, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार या अन्नागार? 28, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी या लोथल? 29, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में या यज्ञ प्रणाली में? 29, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल या हाथी? 29, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल या लॉर्ड मैकाले? 30, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? सौराष्ट्र में या राजस्थान में? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम है, उनका नाम क्या है? दयाराम सहनी, रखालदास बनर्जी या जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद? 32, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? 33, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड या उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड? और
34वां प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल या नीला। तो ये रहा कुल मिलाकर के प्रश्न। और आप अपने विद्यार्थियों को कॉलेज के ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट को फायदा हो। और बार बार इसका एक ही इलाज है याद का करने का, बार बार आप सुनते रहें वीडियो को ताकि आपको इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।